हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स का मेरा मोबाइल मेरे शिक्षा कार्यक्रम, और मैं हूं परमेंद्र कुमार। हमारी टीम द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स बिहार के बच्चों के लिए एक खास तरह का प्रोग्राम लेके आई है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम काफ़ी आसान तरीके से जो बिहार बोर्ड के जो सिलेबस हैं उसको हम लोग कवर करें, और उसी के तहत मैं परमेंद्र कुमार आपके सामने इतिहास विषय को लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं इतिहास विषय के सिलेबस के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। अगर सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री जो है वह तीन भागों में बैठा हुआ है, तीन पुस्तकों में बैठा हुआ है, और टोटल जो अध्याय हैं इतिहास के पुस्तक में वह टोटल 15 अध्याय हैं, और मैंने यहाँ पे बोर्ड पे उन्हें इंडिकेट भी कर दिया है अलग अलग। जैसे कि प्रथम पुस्तक जो है उसमें 4 अध्याय है, और इसमें आपको पढ़ना है पुरातत्व एवं प्राचीन भारत पहले अध्याय में। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं। जैसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। फिर पूछे जाते हैं अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जब आगे की क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा। उसी तरह आगे हम जब बढ़ते हैं तो दूसरे चैप्टर में मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। फिर उसके आगे सामाजिक इतिहास, विशेषकर महाभारत के विशेष संदर्भ में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रश्न होता है कि महाभारत की लड़ाई जो है वह कितने दिनों तक चली थी, तो आगे जब हम बढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हम जब जाएंगे तो हम इन प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसी तरह जब हम द्वितीय पुस्तक में आएंगे तो उसमें 5 अध्याय हैं, जैसे कि आयने अकबरी कृषि के विशेष संदर्भ में, मुगल दरबार के बारे में हमें पढ़ना है, नूतन स्थापत्य कला हम्पी के बारे में जो दक्षिण में है, दक्षिण भारत में, उसके बाद भक्ति सूफी परंपरा की भी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे, और विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन भारतीय जो समाज था वह किस प्रकार से बढ़ रहा था इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे हम लोग। फिर जब हम तृतीय पुस्तक पे आएंगे तो उसमें 6 अध्याय है, इसमें आपको आधुनिक भारत, ये अगर देखा जाए तीनों पुस्तक तो प्रथम पुस्तक जो है वह प्राचीन भारत को कवर करता है, द्वितीय पुस्तक जो है वह मध्यकालीन भारत को कवर करता है, उसी प्रकार तृतीय पुस्तक जो है वह आधुनिक भारत को कवर करता है। तो इसमें आपको उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य के संदर्भ में पढ़ना है, उसके बाद 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व तो किन लोगों ने किया इसके बारे में पढ़ना है, उसी प्रकार औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, उसके बाद महात्मा गांधी समकालीन दृष्टि से, महात्मा गांधी के बारे में विशेष रूप से हमें पढ़ना है, प्रश्न भी पूछे जाते हैं महात्मा गांधी के विशेष संदर्भ में, भारत का विभाजन एवं अभिलिखित स्रोतों से अध्ययन जो है, भारतीय संविधान का निर्माण इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करेंगे तो 100 नंबर का इतिहास का यह पेपर होता है, जो 50 और 50 नंबर का होता है, जो 50 नंबर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के होते हैं। इसमें नए सिलेबस के अनुसार 2019-21 जो नया सिलेबस है उसके अनुसार 60 प्रश्नों में से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन 60 प्रश्नों में से 50 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। उसी प्रकार सब्जेक्टिव की अगर बात करें हम तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में बढ़ा होता है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है वह उसमें 15 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, प्रत्येक प्रश्न जो होता है वह
दो नंबर का होता है और यह टोटल 30 नंबर का हो जाता है। इसी प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन जो है टोटल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन हमें जवाब देने होते हैं 4 प्रश्नों के। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 5 प्रश्न होता है और टोटल मार्क्स हो गए 20, यानी कि 30 और 20 मिलकर 50, 50 और 50 100 नंबर का। तो ये था एक खाका हिस्ट्री का। अगले क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे पुरातत्व एवं प्राचीन भारत, जिसमें हमें हड़प्पा सभ्यता या उससे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता उसके बारे में चर्चा करेंगे।